नमस्कार, इन फिल्म्स टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं और हम लोगों ने पिछले दिनों बात किया था कि बॉलीवुड के सिम्बा रणवीर सिंह एक कॉमेडी ड्रामा बेस्ड फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम होगा अंगूर 2। जबकि दोस्तों अंगूर का सीक्वल है, इसके बारे में लोगों ने बात किया था और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में भी बात किया था कि आगे चल करके इस फिल्म का जो नाम होगा वो अंगूर 2 होगा या कुछ और होगा। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस फिल्म का नाम क्या फाइनलाइज किया गया है। तो ऐसे में फिल्म का जो टाइटल होने वाला है वो अंगूर 2 नहीं बल्कि होगा सर्कस। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का टाइटल जो फाइनलाइज किया गया है जिसका नाम होने वाला है सर्कस। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है इतना बड़ा झूठ। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के यंग रेबल स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म जिसका नाम है आदि पुरुष, इस फिल्म को लेकर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जब से फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है तो फिल्म को लेकर के कोई भी खबर छोटी हो चाहे बड़ी, कोई भी खबर सामने आती है इस फिल्म से जुड़ी हुई वो चर्चाओं में बन जाती है। वैसे में बात की जाए सबसे बड़ा झूठ के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों ने सुना भी होगा इस बात को लेकर के काफी सारी चर्चाएं थी कि फिल्म में अजय देवगन नजर आएंगे भगवान शिव के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा इस बात को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हुआ करती थी कि अभी पिछले दिनों की भगवान शिव के किरदार में अजय देवगन नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें तब इस बात से पर्दा उठ चुका है, आखिरकार सच्चाई क्या है वो सामने आ चुकी है। तो आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा की ताजा खबरों की माने तो आदि पुरुष मूवी में अजय देवगन का कोई भी किरदार नहीं है, यानी कि आदि पुरुष का कोई भी भाग नहीं है अजय देवगन। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है फाइनली RRR मूवी का तीसरा टीजर आउट हो चुका है। क्या आपने देखा? अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में चाहे और अपनी राय जरूर दें। जबकि दोस्तों टीजर का इंतजार फैंस को हम सभी लोगों को काफी बेसब्री से था। आपको बता दें तो जब से इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया, जब से इस बात का खुलासा किया गया था कि RRR मूवी का तीसरा टीजर 22 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है, तब से फैंस की जो बीच जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों फाइनली टीजर आउट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यंग रेबल स्टार प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम का पहला ऑफिशियल टीजर क्या आपने देखा? अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। जबकि दोस्तों बात की जाए फिल्म के टीजर के बारे में तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले बात किया था कि फिल्म का पहला ऑफिशियल टीजर 23 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, दोस्तों फाइनली जिसके अकॉर्डिंग अब लॉन्च हो चुका है। अगर दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं तो YouTube का ऑफिशियल चैनल टी सीरीज पे जाकर के आप देख सकते हैं, ढेर सारा एंजॉय कर सकते हैं।